सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं योगेंद्र जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर। ये मैं बड़ा अजीब नाम है और बहुत सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। तो मैं आपको सर बुलाऊं? नहीं 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 सर। बोलो बोलो। मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव जी और मैं इनका बात करने का तरीका हर चीज़ से बड़ा इंस्पायर हूँ। मैं जानता हूँ जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी और फिर हरियाणा और आज का दिन, मेरा बड़ा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं सर से मिलूं और वही बात करने की कला मैं भी सीखूं और बहुत सारी बातें जो मेरी जिज्ञासा थी और बहुत सारे हरियाणा के लोग जो वो भी जानना चाहते थे। सर जी मेरे छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है सर। अरे छोटा बड़ा क्या, जो लोगों से बात की वही अच्छी है। आपका तो सुनते हैं बहुत बड़ा चैनल। धन्यवाद। नहीं सर छोटा ही है। सर मैं जानना चाहता हूँ, अन्ना आंदोलन से आपने शुरुआत की थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए, वो बिछड़ाव का कारण क्या रहा सर? भाई पहली बात तो कि अन्ना आंदोलन से एक्चुअली शुरुआत मैंने नहीं की जी। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों, आप जितनी उम्र थी जी जी। तब से कुछ ऐसे लोगों से परिचय हुआ, किशन पटनायक थे, वैचारिक गुरु थे हमारे, उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए देश समाज के लिए, क्या करना चाहिए जी। तब से मेरा किसी न किसी सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव रहा है, 1985 वगैरह के ज़माने से रहा है जी। बस अन्ना आंदोलन के दौरान ये हुआ कि तब मैंने फाइनली नौकरी वोकरी छोड़ के कहा अब पूर्णकालिक यही करूँगा, तो बस वही बदलाव आया। मैं उससे पहले से भी जुड़ा हुआ था जी जी। और जब अन्ना आंदोलन में जुड़ा तो एक बड़ा विचार लेके जुड़ा था कि देश बदलना है और देश की बदलाव की जड़ चूँकि राजनीति में है जी। इसलिए राजनीति को बदलना है, राजनीति में अपने लिए जगह नहीं बनानी, कुछ ऐसा करना है जो राजनीति को बदले। याद है उस ज़माने के नारे वगैरह भी यही हुआ करते थे कि हम आए हैं राजनीति को बदलने आए हैं। जब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी में वही काम हो रहे थे जो राजनीति बदलने वाले नहीं थे जी। पार्टी राजनीति को नहीं बदल रही थी, राजनीति पार्टी को बदल रही थी। और जब साथियों ने सब कहना शुरू किया योगेंद्र जी पॉलिटिक्स है यहाँ तो ये सब करना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूँगा, सच बोलूँगा। और हम राजनीति को बदलने आए थे, अगर किसी के दरबार में ही बैठना था तो कई दरबारों में जगह मिल सकती थी, दरबार में बैठने का नहीं था। इसलिए हमने कहा कि हम देश में जो बदलाव के रास्ते पर आए हैं हम उसी रास्ते पर चलेंगे। आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण जी छोड़ चुके हैं, आप छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं कुमार विश्वास जी भी छोड़ चुके हैं। कई बार मैं प्रशांत भूषण जी के और आपके विचार सेम लगभग ये मान कर चलता हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है ये कई बार देशद्रोही से विचार हैं। जैसे 370 पे आपने एक दो कुछ कहा कि वो सही नहीं था, तानाशाही थी, राम मंदिर का है, फिर CAA पर, मतलब हमारी सोच उतनी व्यापक नहीं है जितनी आपकी है। आपका क्या कहना है इन सब विषय पर जो 370 था? देखो बेटा, देशद्रोह क्या हुआ? देशद्रोह वो है कि आप ऐसा कुछ काम करें जो देश के दीर्घकालिक हित में ना हो। आप मोहल्ले में रहते हो, परिवार में रहते जी। हो, किसी पड़ोसी से खटपट हो गई जी। एक भाई है घर में आके कहता है चलो उठाओ डांग, उठाओ लाठी, उठाओ ईंट, उठाओ दे मारते हैं जी। कोई परिवार में कहता है बेटा इससे कोई फायदा ना होगा, आज तुम कर लोगे ठीक है, आज तुम्हारे हाथ में लाठी है जी, आज से 5-7 बाद क्या असर पड़ेगा, मान लो आज पुलिस भी तुम्हारे साथ है, आज तुम कर लोगे। भाई पड़ोसी से मत करो, नुकसान होगा। उस टाइम लगता है कि ये देखो परिवार के खिलाफ है, कैसी बातें कर रहा है, हिम्मत नहीं है, कायर है, ये है वो है। 5 साल बाद पलट के आदमी आता है, कहते नहीं बाबूजी बात तो सही कही थी आपने, है ना। ये कश्मीर वाला मामला बिल्कुल वही है। आज लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया कर दिया, 370 तोड़ दिया। मैं आपको कहूँगा ठंडे दिमाग से, आप भी यही हो, आप तो यूट्यूब में हो और फेमस बनोगे, 5 साल बाद हम बात करेंगे कि किसको फ़ायदा हुआ। और अगर आपको मौका मिले आप 2 दिन वहाँ अंदर जाके लोगों से बात करके आना। देखो हम कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं मानता हूँ अभिन्न अंग है जी। अब अभिन्न अंग जैसे उंगली मेरा अभिन्न अंग है, इसमें आप अगर ऑल पिन भी लगा दोगे मेरा हाथ यूँ होगा, है ना, क्योंकि मेरा अभिन्न अंग है जी। अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी का दर्द हमारा दर्द होना चाहिए जी। ऐसा लगना चाहिए ना, ऐसा क्या कर दिया है ना? जी। ये जो कहते हैं कि 370 हटाने से अब कश्मीर और भारत का विलय हो गया है, एकदम मिल गए हैं जुड़, दिल जुड़ गए हैं, एकदम कोरी झूठ है। आप जाके 2 दिन मेरे से मत पूछो जी। आप किसी आँख बंद करके किसी 2 कश्मीरियों से बात कर लेना और मुझे आके बता देना कि 2 लोगों ने आपकी बात को गलत तो कह दिया। आपके हिसाब से 370 हटनी नहीं चाहिए थी? देखो 370 क्या था, 370 जैसे अपनी बाँह टूट जाए, प्लास्टर जी, लगता है जी। प्लास्टर हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए जी। कब हटना चाहिए? जब बाँह जुड़ जाए, हड्डी जुड़ जाए तो प्लास्टर हटना चाहिए। हड्डी जुड़ने के बाद जो प्लास्टर लगा के चले वो महाबेवकूफ़ है, और जो हड्डी जुड़ने से पहले प्लास्टर को हटा दे
उससे बड़ा पागल कोई आदमी नहीं है, है ना। तो 370 एक प्लास्टर था जो हटना चाहिए था जब हड्डी जुड़ जाए, हड्डी हमने जोड़ी नहीं, लेकिन बार बार कहने लगे। वो बात सही है, आप बार कई बार होता है कि आदमी खुद परेशान हो जाता है, जी 3 महीने हो गए प्लास्टर लगे हुए, अब डॉक्टर साहब किसी तरह उतार दो, बस छोड़ो जुड़ने मुड़ना छोड़ दो, आप क्या कहोगे? जितना भी टेढ़ा हाथ जुड़ गया जो होने दो, जैसा भी है होने दो, बस डॉक्टर साहब अब प्लास्टर उतारो, आप क्या कहोगे? अरे भाई बावड़े वाली बात ना कर, देख प्लास्टर उतारेंगे तब ठीक है, 2 महीना और सह ले, कुछ कर ले, है ना। जो कश्मीर में क्या था, कश्मीर और साधारण बाकी देश के बीच में एक फांक है, एक उनका मन जुड़ने में फासला था, और 370 उसके ऊपर पुल बना हुआ था, पुल तोड़ दो, जब फासला ख़त्म हो जाए पुल की क्या ज़रूरत है, लेकिन फासला तो ख़त्म करो ना। हमने क्या किया कि वो सुझाव मामले को सुलझाने के बजाय एक उलझे हुए मामले पे एक गांठ और मार दी। कभी कभी ये भी लगता है इतनी गांठ लगी है चल तो कैंची चला दे इसके ऊपर से, वो वाला काम है। इससे ना देश को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि कल तक कश्मीर में कम से कम कुछ लोग थे जो तिरंगा उठाने को तैयार थे, सारे लोग नहीं थे तब भी, कुछ लोग थे जो तिरंगा उठाने को तैयार थे, कुछ लोग थे जो खड़े होकर कहते थे कि भारत में रहना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, कम से कम डेमोक्रेसी है, इनसे बात की जा सकती है। आज कश्मीर वैली में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो तिरंगा उठा के कहने को तैयार हो मैं इंडिया के साथ हूँ। ये हमने किया है। हमने जो कश्मीर में पहले आतंकवादियों का असर, उग्रवादी जो हुर्रियत वगैरह थे इनका हुआ करता था लोगों पर थोड़ा सा असर, पहले क्या था कुछ उदारवादी थे जो भारत के साथ थे, कुछ उग्रवादी थे जी। अब हमने क्या किया, सारे उदारवादियों का तो हो गया मुंह काला, वो तो सब अपने अपने घर बैठ गए अब आगे से भैया, और उनको लोग कहते हैं देख लिया करके देख लिया ये मिला तुम्हारे को। अब बात ही उग्रवादियों से शुरू होती है। 370 को ख़त्म करने से कश्मीर में हुर्रियत मजबूत हुई है, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट का गला ऊपर हो गया है, प्रो इंडियन का सबका गला दब गया। जो फॉरेनर से डेलीगेशन आए वो घूमे वो कह रहे थे सब सही था, ऐसी बातें मानते हो? कौन सा डेलीगेशन था पता नहीं सर, वो आए थे फॉरेन से आए थे। भाई फॉरेन का डेलीगेशन जा सकता है, आपके इंडिया के पार्लियामेंटेरियन नहीं जा सकते? इंडिया के पार्लियामेंटेरियन को जाने दिया? अरे यार ऐसी पब्लिसिटी के मामले, वहाँ से क्या था, एक कंपनी थी जो कि उनको पैसा देके कहने आई थी कि कश्मीर घुमाएंगे आपको, और ये सारे वो लोग थे अपने देश में खास तरह की राजनीति करने के लिए थे। भाई मैं कहता हूँ तुम फॉरेनर का सर्टिफिकेट क्यों लेते हो, जाओ 2 दिन के लिए घूम के आओ। ना सर ऐसा करने डर लग रहा है मेरे को। ना मैं अच्छा, तो होके आया हूँ 3 दिन होके आया हूँ। CAA पर NCR है और अब ये NPR भी आ गया, इस पर आपकी क्या बेबाक राय है? देखो भाई पहली बात तो कि जिंदगी में जहाँ कोई बीमारी हो जी उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। बीमारी है नहीं, दवाई आप कस के ठोक लो तो क्या होगा, बीमारी पैदा हो जाएगी जी। ये जो सारा CAA नागरिकता वाला मामला है, मुझे लगता है बिना बीमारी के इलाज करने की कोशिश हो रही है और इससे बीमारी पैदा होगी। नोटबंदी में बिल्कुल यही हुआ था, बीमारी थी नहीं, इलाज ऐसा किया कि बीमारी पैदा हो गई। दिक्कत क्या थी, देखो हमारे देश में नागरिकता है, नागरिकता का कानून है जी। पुराने नागरिकता के कानून में भारत सरकार को अधिकार था कि विदेश से कोई भी व्यक्ति आए भारत की नागरिकता मांगे उसको हम दे सकते थे, पर यह था कि उसको 12 साल इंतजार करवाना पड़ता था जी। ठीक है आप 12 को 5 करना चाहते हो कर लो, अच्छी बात है जी। ये है कि विदेश में लोगों का प्रताड़ना होती है, बेचारे भारत में शरण आके मांगते हैं, हम उनको शरण देना चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद ने इतनी सुंदर बात कही थी शिकागो में, उन्होंने कहा था मुझे भारतीय होने में गर्व है क्योंकि जिसने शरण मांगी है उसको हमने शरण दी है। आप दीजिए, अगर सरकार ये कानून बनाए कि ठीक है हमारे पड़ोस में तरह तरह की जाति होती है, जिन लोगों के साथ जाति होती है वो आए भारत शरण देगा, मेरा सर ऊंचा हो जाएगा, मैं कहूँगा देखो उस देश से आता हूँ जो सबको शरण देता है। हम क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर आओगे और अगर मुसलमान नहीं हुए तो शरण देंगे, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब इलीगल भी आए हो कागज नहीं है तब भी हो। प्रताड़ित व्यक्ति है ना वो, उनको इसलिए कहा है। पहली बात तो ये भाई कि अगर प्रताड़ना देखना शुरू किया तो धार्मिक ही क्यों देख रहे हो, दूसरी भी हो रही है, तमिल लोगों के साथ, श्रीलंका में जो तमिल लोगों के साथ हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार ने IPKF फौज भेजी थी जी। श्रीलंका की तो इतना हालत खराब थी, श्रीलंका प्रताड़ना है ना, वहाँ के लाख लोग आके बैठे हुए हैं ना, उनके साथ क्या बुराई है, वो भी तो प्रताड़ित हो रहे हैं और वो धार्मिक प्रताड़ित भी हैं क्योंकि श्रीलंका वालों ने अपने देश को बुद्धिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। अब दिक्कत ये है कि श्रीलंका के तमिल हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, तीनों हैं, वो तो करना नहीं है, है ना। अब ये जो इस चीन से जो तिब्बती लोग आए हुए हैं कौन है, बौद्ध हैं जी,
इनके मोनास्ट्रीज वहाँ तोड़ दिए, इनके मठ चीन की सरकार ने तोड़ रखे हैं, वहाँ का दलाई लामा यहाँ आया हुआ है, ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है हैं? मगर क्या चक्कर आ रहे हैं कि जो श्रीलंका से भी हों, चाइनीज भी हों, उनको भी हम बुलाएं जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित है? मेरा कहना है कि आप कानून में वो बात लिख दो जो बीजेपी वाले टीवी पे बोलते हैं, टीवी पे कहते हैं ना कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को, हमारे पड़ोस के धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए हमने नीति बनाई है जी। मैं कहता हूँ ये बात आप कानून में लिख दो, कानून में नहीं लिखा हुआ, ये सब गच्चा दे रहे हैं, ये उल्लू बनाने का ऐसा काम करते हैं। मैंने कल टीवी पे किसी को कहा बीजेपी वाले से कि साहब आप मेरे को क्लॉज नंबर बताओ जिसमें आप धार्मिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति का नाम लिखा है आपने जी। कहते जी ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है। मैंने कहा फिर झूठ क्यों बोल रहे हो देश को? आपने लिखा है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध, क्रिश्चियन को मिलेगा, धार्मिक प्रताड़ित नहीं लिखा। ओके, अगर आप ये नीति बना दो कि भारत के पड़ोस से कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति आता है हम जांच करेंगे कि झूठी बात ना कर रहा हो, सचमुच प्रताड़ित हो, ऐसे ही ना कि कोई आके बैठ जाए, जैसे कनाडा जांच करता है, अमेरिका जांच करता है, हम भी जांच करेंगे। आप ये कानून बनाओ, मैं एकदम 100% समर्थन करूंगा। इस कानून की नीयत भाई धार्मिक प्रताड़ना से कोई नहीं है। ओके, ये मामला सीधा मुसलमान और हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने का मामला है। एनपीआर के बारे में क्या कहना है? एनपीआर जो है वो यही नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की पहली स्टेज है। एनपीआर पहले आया था। ओके, ये मैं नहीं कह रहा पहली स्टेज, आपके चेहरे पे मुस्कान आई भाई, सरकार की वेबसाइट देख लो, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में एग्जैक्टली ये लिखा है, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग एनआरसी। होम मिनिस्ट्री कहती है, होम मिनिस्टर कहते हैं, कोई संबंध नहीं है। होम मिनिस्ट्री कहती है कि उनकी वेबसाइट पे लिखा है। होम मिनिस्ट्री ने 6 बार पार्लियामेंट में बोला है कि हाँ दोनों का कनेक्शन है, और होम मिनिस्टर कहते हैं नहीं है। और आजकल देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि आप और मैं किस दिन बात करेंगे, इस टाइम सूरज उगा हुआ है कि नहीं है, अंधेरा है कि नहीं है, बहस होगी, 40 मिनट बहस होगी जी। ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं कि इन चीज़ों पर, झूठी चीज़ों पर बहस हो। इसमें कोई देखिए सारा ये जो खेल किया जा रहा है, खेल के पीछे क्या है, लोगों को समझता है पता नहीं कितनी चीज़ें आ गई। खेल सिंपली ये है, असम में बीजेपी को जो गैर कानूनी आप्रवासी आए हैं हिंदू, उनका वोट मिला करता था। बंगाली हिंदू की पार्टी है बीजेपी, वहाँ पे इनके आधे वोटर हैं जो कि एक्चुअली विदेशी हैं जी। उनको इन्होंने वोटर लिस्ट पर लाना था, अब उनको लाने के लिए किया एनआरसी। एनआरसी में वो सारे बेचारे विदेशी डिक्लेयर हो गए क्योंकि थे ही विदेशी जी। तो अब ये हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, विदेशी ढूंढने निकले थे, मुसलमान नहीं निकले, इसमें तो हिंदू ज़्यादा निकल गए। अब ऐसा कानून बनाओ कि भाई हिंदू अलग हो जाए और मुसलमान अलग हो जाए, ये सारा खेल है। खेल ये है कि बंगाल का इलेक्शन जीतना है, बंगाल का इलेक्शन बीजेपी जीत नहीं पा रही है, पर हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। अब आप मेरे को एक बात, आप मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश में जो हिंदू मुसलमान में घृणा फैलाए, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाए, भारत माँ की दो आंख को एक दूसरे के खिलाफ करे, वो देशद्रोही हुआ कि नहीं? डेफिनेटली। अरे आप प्रधानमंत्री को देशद्रोही कह रहे हो? अरे सर ऐसा क्या है, थोड़ा समझ के बोला करो। आप कह रहे हो होम मिनिस्टर देशद्रोही हैं, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं, दिन रात ये काम कर रहे हैं, आपकी आंख के सामने कर रहे हैं, हुआ नहीं देशद्रोही? ये देशद्रोही है मेरे दोस्त, सच्चा देशद्रोही है। सर मेरा अंतिम प्रश्न, हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति, सभी किसी जातिवाद धर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, हर चीज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैंने अभी सुना है कि आप किसानों के लिए कुछ कुछ बना रहे हैं, ज़रूरत क्या है, कहाँ आपको कमी लग रही है, ये किसानों के लिए इसलिए ज़रूरी है? सच कह रहे हो भाई आप, 4.5 साल किसान रोता है जी कि आप धरना, जब ये पानी ना मिल रहा जी, बिजली ना मिल रही, रात को बिजली आ रही है, ये हो गया, फसल का दाम ना मिला, आवारा पशु आ गए, 4.5 साल रोता है जी। और आखिरी 3 महीने में किसान बन जाता है, जी मैं फलां गोत्र वाला जाट हूँ जी, जाट भी नहीं ये जी, फलां वाला हमारी 24 की अलग है और उनकी 84 की अलग है, और वो हो गया जाट, वो हो गया अहीर, वो हो गया सैनी, तो बस नेताजी का काम चल गया। तब सारी पार्टियों को समझ आ गया किसान का कुछ करने की ज़रूरत है ना, कि रोएगा 4.5 साल रोने दो, आखिरी 3 महीने तो काम अपना बन जाएगा। जिस दिन किसान ने ये कहना शुरू किया कि किसानी मेरी जात, किसानी मेरा धर्म, उस दिन सारे लाइन में लग जाएंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के सारे किसानों को इकट्ठा करना किसान के अपने मुद्दों पे, किसान की ये जो किसान का ये होता है हाथ भी उठाता है तो 5 उंगलियां 5 दिशा में होती हैं, उसकी मुट्ठी बंद करना सिखाना, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं करेगा किसान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और हम, मैं तो पिछले 4 साल से यही कर रहा हूँ भाई, देश के कोने कोने में जाके गांव-गांव में घूम घाम के यही बात कर रहा हूँ, किसानों को इकट्ठा करना है। किसान इकट्ठा होगा
तब इस देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसी तरह के झूठे मामलों में फंसा रहेगा। ये हिंदू मुसलमान नागरिकता इसको दें उसको दें, भाई देश में समस्याओं की कमी है, देश में मंदी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, गांव देहात की हालत ख़राब है, और आपको प्रॉब्लम है हिंदू मुसलमान की सिटीजनशिप की। कुछ तो करो ना यार, अगर मैं तो कहता हूँ रजिस्टर बनाओ नागरिकता, आप राष्ट्रीय रजिस्टर बनाओ, किसका? नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार है उसका नेशनल रजिस्टर बनाओ। हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, पैसा भी कम लगेगा और देश आगे बढ़ेगा, देश पीछे ना जाएगा। ये जो देश को बात बात पे पीछे ले जाना, 70 साल पुराना हिसाब हम ठीक कर रहे हैं जी, फिर कहते हैं नहीं 600 साल पुराना हिसाब हम बाबरी मस्जिद का ठीक कर रहे हैं। साहब कब तक देश पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, अब देश आगे देखना चाहता है। और इसीलिए आज इस देश का युवा यूनिवर्सिटी में कॉलेज में खड़ा है, कह रहा है अब मेरे को बार बार पीछे मत दिखाओ, मैं आगे देखना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो होगा इस देश में। सर हमारे हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो जनता संदेश देगी सरकार को, मैं तो इतना कहता हूँ कि जी धूप और अंधेरे में फर्क करना सीख लो। चौधरी छोटू राम जी, सर छोटू राम ने किसान को कहा था, मैं सब आपके माध्यम से सब किसान साथियों को कहना चाहता हूँ कि रे किसान तू बोलना सीख ले और अपने दुश्मन की पहचान करना सीख ले। बस ये दो चीज़ मैं चाहता हूँ कि किसान बोलना सीख ले और दुश्मन की पहचान करना सीख ले। दुश्मन पड़ोस में नहीं है, दुश्मन चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठा होता है, उसकी पहचान करना सीख ले और इकट्ठा हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता हरियाणा को आगे बढ़ने से, किसान को आगे बढ़ने से। धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 सर। तो भाई आज मेरे मन की चाह पूरी होगी, अभी समय की कमी थी लेकिन इन टॉपिक्स पे बार बार और डीपली हम बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की।